स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करेंगे शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की शिक्षक साथियों के लिए। चैनल पर पहली बार तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर 15 अगस्त का ही ये ऑर्डर है, जिसमें अधिशेष कार्मिकों की सूचना मांग ली गई है। तो अधिशेष कार्मिकों की सूचना भिजवाने के संबंध में ऑर्डर निकल चुका है। तो पहले कुछ दिन 2-4 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि अधिशेष कार्मिकों को समायोजित किया जाएगा, तो सरकार ने इसको लेकर ऑर्डर जारी कर दिया है। तो अधिशेष कार्मिकों के लिए अच्छी खबर है कि जल्द ही उनको काउंसलिंग के माध्यम से जो है पदस्थापित किया जा सकता है नई जगह पे। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने ऑर्डर निकाल दिया है, अधिशेष कार्मिकों की सूचना जिलेवार मांग ली है। प्रारंभिक माध्यमिक जो भी विभाग है उनमें कितने कितने कहाँ पर किस जिले में कितने ऐसे कार्मिक हैं जो अधिशेष चल रहे हैं, तो जल्दी इसको लेकर बड़ा अपडेट्स आने वाला है। अधिशेष कार्मिकों की सूचना को लेकर ये ऑर्डर जारी हो चुका है, जिसमें बताया गया है कि संलग्न प्रेषित करके लेख है कि शासन द्वारा वर्तमान विभाग में समस्त अधिशेष कार्मिकों की सूचना तत्काल चाही गई है। उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान विभाग में समस्त अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची जो है निम्न प्रारूप में तत्काल भेजें। ईमेल पर जिसमें कार्मिक का नाम, बदनाम, उसका विषय, अधिशेष होने की दिनांक, जिस विद्यालय से अधिशेष हुआ है, उसका जिला, जिस विद्यालय में वर्तमान में है और उसका जिला, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। ये ऑर्डर शिक्षा निदेशक के द्वारा जारी किया गया है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, 15 अगस्त का ही ये ऑर्डर है। तो ये जो है अधिशेष कार्मिकों के लिए है और जल्द ही अधिशेष कार्मिकों के लिए हो सकता है कि जो सूचना जब पहुंच जाए उसके बाद विभाग का जो भी कार्य रहेगा कि काउंसलिंग के माध्यम से या अन्य रूप से जिस भी प्रकार से वो है कार्मिक के अधिशेष कार्मिकों की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो अधिशेष कार्मिकों के लिए अच्छी खबर कह सकते हैं, लंबे समय से अधिशेष चल रहे हैं, वेतन की भी समस्याएं हैं, अन्य विद्यालय से वेतन ले रहे हैं या अन्य कई भी प्रकार के जो है कार्मिकों के प्रकरण रिलेटेड समस्याएँ हैं, तो उनके लिए है कि अब उनको जो है जल्द ही उचित स्थान पर समायोजित किया जा सकता है। अब आपको वो खबर भी दिखा देते हैं जिसमें ये बात कही गई थी, आज इसको लेकर ऑर्डर जारी किया गया है। अब अधिशेष कार्मिकों की जो न्यूज़ आई थी वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो 2-3-4 दिन पहले ही चल रही थी कि 2 साल से अधिशेष चल रहे, लगभग शिक्षा विभाग 37,000 से अधिक शिक्षकों का समायोजन करेगी सरकार। तो इसी को लेकर अब सरकार ने एक्शन लिया है और ऑर्डर भी जारी कर दिया है। तो अधिशेष कार्मिक जो भी है उनके ऊपर सरकार जो है जल्द ही डिसीजन ले सकती है और इसको लेकर ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में लगभग ऐसे शिक्षक जो हैं 37,000 से अधिक, उनको इधर उधर करने की तैयारी है। और ये वे शिक्षक है जो स्कूल में अधिशेष है, या तो वे स्कूल कम्युनत होने के कारण या महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन होने के बाद जो है अधिशेष हो गए थे। यह शिक्षक लगभग 2 साल से अधिक समय हो गया है अधिशेष चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने भी पिछले दिनों अधिकारियों को अधिशेष शिक्षकों का समर्थन करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अधिशेष शिक्षकों की जानकारी अब जुटाई गई तो सामना है कि ऐसे लगभग जो संख्या है 37,000 है। इन अधिशेष शिक्षकों का वेतन अन्य विद्यालय के रिक्त पदों से आहरण किया जा रहा है। इसके साथ ही ये शिक्षक काम कहीं कर रहे हैं और वेतन किसी अन्य स्थल से ले रहे हैं, लेकिन अब विभाग ने ऐसे शिक्षकों का समायोजन करने की तैयारी की है। इन शिक्षकों को स्कूल में खाली पदों पर लगाया जाएगा। अधिशेष शिक्षकों की ज्वाइनिंग शाला दर्पण पर नहीं होने के कारण प्रोबेशन पूरा करने वाले शिक्षकों का नियमितीकरण भी नहीं हो पा रहा है और 9, 18, 27 वर्ष की जो ACP MSCP लाइन अप्लाई की जाती है वो भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो है लंबे समय से समायोजन की मांग चल रही है और समायोजन से जुड़ी ये बड़ी खबर है और इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की मांग हो रही थी, इसको लेकर ये अब ऑर्डर भी जारी हो चुका है। तो ये बड़ी अपडेट अधिशेष शिक्षकों के लिए। धन्यवाद।